नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सी है, मैच द कॉलम। इसमें कॉलम ए है और कॉलम बी है, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट है प्राइमरी की, जिस तरह हम पहले करते हैं, कॉलम ए होता है, उसके सेंटेंस को हम मैच करते हैं कॉलम बी से, जहाँ से भी एग्जैक्टली उसका आंसर मैच हो रहा हो, फिर उस आंसर को हम कॉलम सी के अंदर ब्लॉक्स में लिख देते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी की, इसको आप ऑप्शन बी से मैच करें, यानी प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक वैल्यू इन फील्ड, तो 1B इसको फर्स्ट ब्लॉक में एज एन आंसर लिख दें कॉलम सी के अंदर। फिर नेक्स्ट नंबर टू के ऊपर लिखा हुआ इंटीग्रेट डाटा, इसको आप मैच करें ऑप्शन डी के साथ, यानी नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स के बगैर वाले सारे नंबर्स, यानी होल नंबर्स वगैरह, तो इनको आप नंबर टू में लिखें इस आंसर को, यानी 2D। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे है रिलेशनशिप, इसको ऑप्शन ई के साथ मिलाएं, रिलेशनशिप कनेक्ट बिटवीन टू टेबल्स, कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, तो 3E आप इसको थर्ड ब्लॉक आंसर में लिख दें। फिर नंबर फोर के ऊपर है फील्ड, इस फील्ड को आप ऑप्शन ए के साथ अटैच करें, फील्ड क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, सो 4A आप आंसर ब्लॉक में लिखो कॉलम सी में। द नेक्स्ट वन इज नंबर 5, दैट इज व्यू, व्यू को आप ऑप्शन एफ के साथ मिलाइए, शोज वर्चुअल डाटा, व्यूज शोज वर्चुअल डाटा, ठीक है, तो 5F इसको आप आंसर ब्लॉक में लिखें। फिर नंबर 6 है फ्लैट फाइल सिस्टम, इसको ऑप्शन सी के साथ मिलाइए, डाटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्म, फाइल फ्लैट फाइल सिस्टम इज डाटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्म, तो सिक्स सी कॉलम सी के अंदर आंसर ब्लॉक में लिखते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज नंबर 7, एंटिटी, एंटिटी को आप ऑप्शन जी के साथ मैच करें, टेबल विद इट्स ऑन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो 7G को आप आंसर ब्लॉक में लिखें। वन टाइम आई रिपीट द आंसर्स, फोकस ऑन कॉलम सी, आंसर्स आर 1B, 2D, 3E, 4A, 5F, 6C, 7G. नेक्स्ट है एक्टिविटीज, यानी कि प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल वर्क है। फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्रिएट फ्यू टेबल्स एंड प्रैक्टिस, जैसे कुछ टेबल बनाएं आप एमएस एक्सेस में और प्रैक्टिस करें, जैसे कि एडिंग की, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन एमएस एक्सेस, जिस तरीके से स्टेप्स आपको चैप्टर में बताए गए कि एक टेबल, सिंपल टेबल क्रिएट करना किस तरह से किया जाता है, बहुत सिंपल है, वो डायग्राम भी दिखाई गई, ऑप्शन भी नज़र आ रही है आपको, कौन सा टैब ओपन करना है, कहाँ पे क्लिक करना, तो उसके थ्रू आप सिंपल टेबल बनाइए, दो चार टेबल बना के देखें। फिर सेकेंड एक्टिविटी है कि क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेल बाय इंपोर्टिंग एक्सेल शीट्स, इसके अंदर एक्सेल शीट, जो एमएस एक्सेल के अंदर शीट बनी होती हैं, उनको इंपोर्ट करना, यानी उनको इसके अंदर लाना है, उन फाइल्स को एक्सेस में, और उनके उसकी मदद से आपने टेबल क्रिएट करना है इसमें, यानी उस डेटा को मैनेज करना टेबल के थ्रू। एग्जामिन द डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड आफ्टर इम्पोर्टिंग, जब आप एक्सेल शीट इम्पोर्ट कर लो, यानी वो एक्सेस में ओपन हो जाए, देन आप उसमें से डिफरेंट फील्ड्स को आइडेंटिफाई करो कि उसमें डेटा टाइप कौन कौन सा है, मेक चेंजेस इन डेटा टाइप्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड। फिर थर्ड प्रैक्टिकल है क्रिएट डिफरेंट व्यूज टू शो डेटा फ्रॉम टू टेबल्स, आपने फिर दो व्यूज क्रिएट करने हैं, व्यू क्रिएट करना जो वर्चुअल डाटा को प्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है, वो भी स्टेप्स उसके भी आपको बुक में चैप्टर में प्रोवाइड किए गए हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और इस तरह से आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा, और दो टेबल्स की मदद से आपने ये व्यू क्रिएट करना है। फिर नंबर 4 के ऊपर है इन सुपरविजन ऑफ योर टीचर, यानी आपके जो लैब टीचर हों या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हों प्रैक्टिकल के लिए, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ड्रॉ अ सिंपल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑन पेपर एंड इम्प्लीमेंट दैट इन एमएस एक्सेस। पहले आप पेपर के ऊपर बनाओ, ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट सपोजली सोच के उसके थ्रू
आप वो डायग्राम जो है ईआरडी एक पेपर पे बनाओ, फिर उसके बाद जब मैनेज हो जाए तो फिर उसको आप एक्सेस पे बनाओ। उसमें आपने शेप्स वही चूज़ करनी है जो रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे डिस्प्ले होती हैं, जैसे कि एंटिटी के लिए कौन सी शेप होनी चाहिए, जैसे रेक्टेंगल है, फिर एट्रीब्यूट के लिए कौन सी है, फिर रिलेशनशिप के लिए कौन सी है, फिर किस तरह से लाइंस को कनेक्शन के थ्रू ज्वाइन करना है, इस तरह से। सो योर ईआरडी शुड इंक्लूड एटलीस्ट 3 एंटिटीज। इसमें 3 एंटिटीज को आप इंक्लूड करें, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच टेबल, प्रॉपर डेटा टाइप असाइनमेंट फॉर ईच फील्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, एंड सिंपल रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज। अब नेक्स्ट है समरी, यानी कि इसमें की पॉइंट्स हैं जिनको हम रिवाइज करते हैं ताकि हमारी एडिशनली एमसीक्यूज वगैरह की तैयारी हो जाए, और जो बेसिक या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएं। अ डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ये उसका बेसिक फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड डिस्प्ले दे देता है। नेक्स्ट है डेटाबेसेस आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरियस इंडस्ट्रीज, इसका इस्तेमाल हो गया। फिर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अलाउज कन्वीनियंट क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर मेनी पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल वगैरह, और कुछ के नाम बुक में भी मेंशन है चैप्टर के अंदर, और इनके आइकन्स वगैरह भी साथ में मेंशन है, उनके पिक्टोरियल इफेक्ट्स। इस तरह से नेक्स्ट है कि द डेटा इन अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज लिमिटेड टू रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल, ठीक है, एक टेबल के अंदर ही रहता है। फ्लैट फाइल डेटाबेस यूजुअली स्टोर डेटा एज प्लेन टेक्स्ट, फ्लैट फाइल में प्लेन टेक्स्ट के तौर पर डेटा सेव होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन हैंडल ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा एंड हैज मल्टी यूजर सपोर्ट। द नेक्स्ट पॉइंट है द फील्ड्स इन अ टेबल कैन डिफाइन एज वन ऑफ द सपोर्टेड डेटा टाइप्स व्हिच बेस्ट सूट्स द टाइप ऑफ डेटा इट होल्ड्स, ठीक है। फील्ड्स को बताया गया कि फील्ड्स क्या होती हैं डेटा के अंदर, वो फिर डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करती हैं। फिर आगे है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज, फिर उनकी एट्रीब्यूट्स, फिर रिलेशनशिप और कीज, यानी डीबीएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एंटिटीज भी, एट्रीब्यूट भी, रिलेशनशिप भी और फिर कीज भी, ये सारी। देन नेक्स्ट पॉइंट है अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटिटी, एक टेबल को हम एंटिटी भी कहते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे रोज होती है ना, एक स्टूडेंट है या एक कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी सारी डिटेल जितने भी कॉलम है चाहे 10 हो आगे, तो रो की सूरत में जितनी आगे पूरी इंफॉर्मेशन आएगी डाटा है वो रिकॉर्ड है उसका, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनको एट्रीब्यूट बोलेंगे, ओके, या कॉलम बोलेंगे, राइट। सो देयर आर असेंशली 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी दो तरह के हमने स्टडी किए चैप्टर में, एक है 1-to-1 रिलेशनशिप और दूसरा 1-to-many रिलेशनशिप, सही है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि जो रिकॉर्ड होता है एक एंटिटी का, उसको कनेक्ट किया जाता है दूसरी एंटिटी के रिकॉर्ड से, दूसरी किसी एक एंटिटी के रिकॉर्ड से कनेक्ट किया जाता है। इस तरह 1-to-many रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक रिकॉर्ड है एंटिटी का, उसको दूसरे दो वन और मोर रिकॉर्ड्स के साथ, दूसरी एंटिटी के एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी है, इसमें बहुत सारे कम्बिनेशन के रिकॉर्ड्स के, उसको दो या दो से ज़्यादा रिलेशनशिप के साथ ज्वाइन किया जाता है, जिसको जंक्शन टेबल कहते हैं, यानी जंक्शन टेबल के थ्रू इनको इस तरह मल्टीपल कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर रिलेशनशिप्स में कीज भी यूज होती हैं, मेक यूज ऑफ कीज, ठीक है। तो कॉमन टाइप यूज की क्या है, एक तो प्राइमरी की है और दूसरी फॉरेन की है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर या कॉलम मैच कॉलम इसे पूछा जा सकता है, ब्लैंक्स पूछी जा सकती हैं।
फिर कीज़ के दोनों टाइप प्राइमरी और फॉरेन कीज़ हैं। फिर प्राइमरी कीज़ क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स इन एन एंटिटी, एक एंटिटी में जो यूनिक रिकॉर्ड्स को उनको आइडेंटिफाई करती हैं, ये प्राइमरी कीज़। और फॉरेन कीज़ क्या करती हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं, दो एंटिटीज़ के दरम्यान में जितने रिलेशनशिप बनते हैं उनको फॉरेन कीज़ डिफाइन करती हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या फिर डायग्राम जो होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, वो क्या करती हैं, वो ग्राफिकली डिस्प्ले करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर उसको डायग्राम के थ्रू, शेप्स के थ्रू, यानी ग्राफिकली उसको शो कर रही होती है। अब कंपोनेंट्स के कौन से हैं, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, इसमें एंटिटीज आती हैं, फिर एट्रीब्यूट्स आते हैं और रिलेशनशिप्स आते हैं, इनको डिफरेंट शेप्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि एंटिटीज के लिए हम वही रेक्टेंगुलर शेप्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एलिप्सिस वगैरह। एट्रीब्यूट के लिए, रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं, बॉक्सेस वगैरह। सो ERDs यानी के एट्रीब्यूट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स आर यूज टू ईदर डिजाइन अ न्यू डेटाबेस और डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्टिंग वन। सो दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इनको आपने खुद भी गो थ्रू करना है और अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना है, ताकि आपकी एडिशनली MCQs की अच्छे से तैयारी हो। Thank you for listening.